महाराज, हम कन्नौज में आ तो गए हैं, मगर सावधानी रखने की आवश्यकता है। महाराज, यहाँ किसी ने आपको पहचान लिया तो बवंडर मच जाएगा। चिंता मत करो चंद, तुम्हारे नौकर के वेश में मुझे कोई नहीं पहचान पाएगा। कोई ये सोच भी नहीं सकेगा कि कभी चंद बरदाई का नौकर बनकर दिल्ली का सम्राट पृथ्वीराज चौहान आया है। हां चंद, कहीं कहीं वीरता दिखाने के स्थान पर बुद्धि का उपयोग ही उचित होता है। अपने महाराज, इसमें तुम्हारा भी तो पूरा सहयोग रहा है चंद। जयचंद की 10,000 की विशाल सेना को देखकर हमें लगता है कि कन्नौज की ताकत को पूर्व में हमने बहुत कम आंका था। खैर, हम तो यहां आए हैं संयोगिता से मिलने। जयचंद के दरबार में लगी हमारी स्वर्ण प्रतिमा को वरमाला पहनाकर संयोगिता ने हमारा दिल ही जीत लिया है। हमारे हृदय में भी संयोगिता के लिए प्रेम उभर रहा है चंद। किंतु चंद, क्यों ना पहले एक बार फिर जयचंद से मिल लिया जाए। किंतु जयचंद के दरबार में दोबारा जाने में खतरा बहुत है महाराज। राजकुमारी संयोगिता के मन में आपके प्रति प्रेम के कारण वो हर समय आप पर आक्रमण करने को तैयार रहता है। इस बार जयचंद ने कहीं आपको पहचान लिया तो? नहीं पहचान पाएगा चंद। कल जब हम उसके दरबार में गए थे तो कहां पहचान सका था हमें। किंतु चंद, जैसे ही तुमने हमारी वीरता का बखान किया, कैसे तिल मिला उठाता वो। जहां तो हमारा मकसद अधूरा रह जाएगा महाराज। संयोगिता से मिलने का हमारा मकसद तो पूरा होकर ही रहेगा चंद। पूरे कन्नौज में संयोगिता के सौंदर्य की जितनी चर्चा हमने सुनी है, उसके बाद तो हमारा हृदय संयोगिता से मिलने को और अधीर हो रहा है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान का जो अभिनय किया आपके सम्मुख, बड़ी आन बान और शान के साथ जो निर्वहन किया, बहुत बहुत आभार इस सहवर्धन के लिए। आप हैं अंकित शांडल्य। और विशेष तौर पे मित्रों, मैं कुछ बात कहना चाहता हूँ। पृथ्वीराज चौहान का जिसने किरदार अभिनीत किया, यह अंकित शांडिल्य हमारी टीम का पिलर है, मजबूत पिलर है। और इतना बड़ा नाटक अगर आया है तो ऐसे ही प्रयासों के कारण आया है, इन लोगों की वजह से ही आप आया है। आज जिस प्रकार से इन्होंने प्रेजेंट किया, मेरे निर्देशक का एक हृदय खुश होता है, आह्लादित होता है कि ऐसा लग